टुडे वी आर डिस्कसिंग क्लास 6 चैप्टर 5 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड प्रोपोर्शन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में जो शेडेड है उसका हमें यहाँ पे क्या बताना है, फ्रैक्शन बतानी है। तो इसमें टोटल है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट में से आपके तीन शेडेड हैं, तो आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन 3/8। सी पार्ट में आपके टोटल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 9 में से आपके शेडेड जो है वो 5 है, तो फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/9। क्वेश्चन नंबर 3, मेक द फ्रैक्शंस फ्रॉम द न्यूमरेटर n एंड डिनोमिनेटर d गिवन बिलो। हमें फ्रैक्शन लिखनी है, ए पार्ट में n जो है वो 15 है और d जो है वो 32 है, तो हमारी फ्रैक्शन जो आएगी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन d, ये हो जाएगा हमारा 15/32। सी पार्ट में n हमारा 73 है और d 99 है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू n अपॉन में d, ये हो जाएगा आपका 73/99। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन स्क्वायर्स हैव डॉट इन देम। हमारे को ये छोटे छोटे टोटल 10 स्क्वायर दिए हुए हैं, इन 10 में से 1, 2, 3, 4, 5 में डॉट है, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/10 में टोटल कितने हैं 10, 5/10 और ये कैंसिल हो रहा है, 5 × 5, 5 × 10, 1/2। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ए पार्ट है हमारा 4/8 ऑफ 16, ऑफ का निशान मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 4/8 मल्टीप्लाई 16, 8 × 8, 8 × 2 = 16, 4 × 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। बी पार्ट 5/7 मल्टीप्लाई 49, 7 × 7 = 49, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 7 = 35। सी पार्ट है हमारा 3/9 ऑफ 18, 3/9 इंटू में 18, 9 × 18, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2, 3 × 2 = 6, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। डी पार्ट है हमारा 2/5 ऑफ 35, 2/5 मल्टीप्लाई 35, 5 × 7 = 35, 7 × 2 = 14, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 31 स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन। टोटल 35 बच्चे हैं, 35 में से 31 बच्चे पास हुए हैं, हमें पास बच्चों की फ्रैक्शंस बतानी है, तो टोटल स्टूडेंट्स 35 पास्ड इन द एग्जामिनेशन 31, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 31/35 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, मनोज गॉट ए जॉब एट द एज ऑफ 29 ईयर्स एंड गॉट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ हिज एज टिल रिटायरमेंट वाज ही इन द जॉब। मनोज गॉट द जॉब एट द एज ऑफ 29 years, he retired from the job 60 years, fraction, he retired from the job at the age of 60 years, fractions is equal to 29/60 years।
ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन ए नंबर लाइन। हमारे पास क्या है 2/7, ये हमने लाइन खींची 0 और 1 के बीच में हमने 7 इक्वल पार्ट ले लिए, 0 और 1 के बीच में हमने 7 पार्ट ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया आपका 7। अब ये आपका हो गया 1/7, 2/7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/7। इसी तरीके से हमने बी पार्ट है हमारा 3/4, लाइन खींची 0 और 1 के बीच में हमने कितने पार्ट लेने हैं, 4 पार्ट लेने हैं, 1, 2, 3 और ये आपका 4 हो गया, 1, 2, 3, 4, तो ये आपका हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, हमें 3/4 लेना था तो ये आपका क्या हो जाएगा 4। 3/4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। नेक्स्ट है सी पार्ट 5/8, जीरो और वन के बीच में हम 8 पार्ट ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आपका 8, ये आपका हो गया 1/8, ये 2/8, 3/8, 4/8 और ये आपका 5/8। हमें 5/8 दिखाना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/8। इज योर होमवर्क एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 to 8 2 इन फेयर कॉपी।